नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज इंडिया टुडे। आइए देखते हैं आज की ये खास रिपोर्ट। पात्र व्यक्ति का भी राशन कार्ड काट दिया, अधिकारियों की करतूत। पूरे देश में गरीब लोगों के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर गरीब लोगों के पेट भरने के लिए राशन की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के कारण यह राशन पात्र लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है। बता दें कि जनपद बिजनौर के चांदपुर तहसील के गांव जलीलपुर में सरकारी कर्मचारी की मिलीभगत के चलते जलीलपुर राशन डीलर ने गांव के ही एक गरीब परिवार का राशन कार्ड कटवा दिया है। लगभग दो माह से परिवार को राशन नहीं मिल रहा है। चांदपुर तहसील के ग्राम जलीलपुर में तहसील और ब्लॉक जलीलपुर में बैठे कुछ रिश्वतखोर कर्मचारियों की वजह से जलीलपुर के राशन डीलर ने मिलकर गांव के ही एक गरीब महिला परिवार का राशन कार्ड काटकर उनको राशन से बेदखल कर दिया, जिसकी वजह जानने के लिए गरीब परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन कोई भी गरीब परिवार को राशन कार्ड काटने की वजह नहीं बता रहा है। हालांकि अधिकारियों से अपना राशन कार्ड बनवाने की गुहार लगाई, जिस पर गरीब परिवार के घर ग्राम सचिव एसडीओ ब्लॉक पहुंचे और उन्होंने बताया कि परिवार तो राशन लेने के योग्य है, परंतु ग्राम सचिव ने कहा कि हमने अपनी रिपोर्ट डीएम साहब को लगाकर भेज देंगे। क्या मेरा नाम शाकिर है? क्या मामला है आपका जलीलपुर में? मैं जलीलपुर का रहने वाला हूँ। मेरा कार्ड काट दिया डीलर ने, कटवा दिया अधिकारियों से मिलने के बाद। मैं गया था चांदपुर तहसील, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कह दिया जो हो तुमसे कर लो, कार्ड तुम्हारा कट गया। उसके बाद और अधिकारी के पास गए आप? हाँ, मैं गया था बिजनौर डीएम साहब के यहाँ जी। उनके यहाँ से अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं मिल पाया है। अधिकारी आए थे जांच करने, जांच करके चले गए, लेकिन उन्होंने कोई भी जवाब मुझे अभी नहीं दिया। और आपको राशन नहीं मिल रहा अभी? मुझे राशन नहीं मिल रहा है पिछले दो महीने से। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे हैं चार। सब छोटे छोटे हैं? सब छोटे छोटे हैं। तो आप क्या करना चाहते हैं? आप मैं चाहता हूँ जिस इंक्वायरी के आधार से जो कार्ड कटा है जी, मुझे इसकी वजह पता लगनी चाहिए किस आधार पर कार्ड कटा है, और जिन लोगों ने गलत कार्ड कटवाया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।